जी सर बिल्कुल, ज्ञान लेते हैं हम लोग तो जब हम संसार में सब कुछ होता है तब नहीं मन करता है, तब तो ना जरूरत होती है सत्संग में आने की। है वो तो कोई कोई संस्कार होते हैं हम लोग के जो हम लोग आ जाते हैं पिछले जन्म के करके आए होते हैं, इसलिए अन्यथा तो संसार में मगन रहती। जो संसार में ऐसा हो रहा है उसमें सब मिल रहा है इसमें मगन रहता है, भगवान की तरफ जाने की कोई इच्छा भी नहीं होती। कभी कभी हम लोग आ भी जाते हैं ये किसी के विचार से किसी की वजह से, मुझे बच्चा जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं, इस तरह से भी कभी कभी जाना होता है। दोस्त जा रहा है तो चले गए, बच्चे हमारे जा रहे हैं तो चले गए, कि कहाँ जा रहे हैं बच्चे चलो पता चलता रहेगा हम भी चलते हैं वहीं, इस तरह से भी आ जाते हैं भजन में तो भी। लेकिन यहाँ आने के बाद कल्याण ही कल्याण, हर तरह से कल्याण जीवन में। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव में जीने की कला आ जाती है, गुरु जी सिखा देते हैं जीने के ढंग, नहीं तो उतार चढ़ाव में ही हर समय दुखी हो जाए। यही होता ही था पहले, जो भी उल्टा सीधा मिला, उल्टा मिला तो दुखी हो गए, सीधा मिला खुश हो गए, इसी में रहता था मैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से क्या हुआ, उल्टे में सीधा देखने की कला और सीधे में सजग रहने की संयम में रहने की ताकत वो तो गुरु जी ने दी। तो सीधे में संयम ही खो जाता है, बेसाखता दूसरों को भला बुरा, दूसरों की टीका टिप्पणी, ये दूसरों पर ये सब जने क्या क्या मन करने लगता, तो वो सब चीजें गुरु जी ने हम लोग के जीवन से विदा करी। संयम का पाठ पढ़ाए, संयम कि कैसे अपनी स्थिति से ऊपर उठकर जियो, न सुख में इतराओ न दुख में घबराओ। सुख में इतराना भी नहीं, इतराते ही दिखते पहले अपने सुख के आगे तो दिखते ही नहीं था, कहाँ क्या करना है कुछ पता ही नहीं। तो गुरु जी ने तो हम लोग को सबसे जैसे कहते हैं उपराम में लेकर आए, सबसे ऊपर उठ के जीना सिखाया, तो यही तो काम गुरु जी ने किया है। कितना और ये कितना सरलता में किया, उनके विचार को उनको अपना सच्चा साथी मान के बस हो गया काम। सच्चा साथी का मतलब तो यही होता है कि वो मेरे हितैषी है, मेरे सच्चे साथी है। तो हमें अकल नहीं होती, जैसे बच्चों को अकल नहीं होती, माँ बाप के हितैषी होते, ऐसे ही हम लोग को अकल तो ना, हम तो गुरु जी को जीने का ढंग गुरु जी ने तो सिखाया। जब जब सोचो पिछले तरफ निगाह डालो तो लगता है क्या जीवन होता कैसा होता, लेकिन गुरु जी ने कैसा अच्छा दोनों हाथों से उन्होंने थामा, हमेशा हर तरह से उन्होंने संभाल करी, हर तरह से। जब जब मेरा एक किस्सा थी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा सतगुरु मेरे साथ होता है, वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है।
नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी, तूने ही तो संभाला है। गिरा मैं जब जब भी, तूने ही तो संभाला है। मिले ना तुझ जैसा, तू जग से निराला है। मिले ना तुझ जैसा, तू जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा सतगुरु मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब रहा अकेला, बड़ा दुख पाया मैं। जब जब दुख ने घेरा, तो घबराया मैं। जब जब रहा अकेला, बड़ा दुख पाया मैं। जब जब दुख ने घेरा, तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में तेरा ही तो सहारा है। कि सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरु मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। ऐसा गुरु जी साथ रहे तुझ के, अरे पीछे जाए, बैक में जाओ, अपने गुरु जी को देखते हैं, अपनी जिंदगी को। इतना शुक्राना गुरु जी, बोले ऐसा शुक्राना कि कैसे जीवन में उन्होंने हर समय काम रखा, हर पल पल में अपने वचन के माध्यम से, अपने हाव भाव, अपनी भंगिमा के माध्यम से, अपनी करनी के माध्यम से, अपनी हर अदा के माध्यम से उन्होंने संभाला। उन्होंने तो संभाला है, और किसने संभाला? कैसे कितने उपकार हैं उनके, जिनकी कोई गिनती नहीं है। कितने उपकार हैं, गिनती नहीं। विमला देवी ने भजन बनाया था इसी पे, ये उपकार है, गिनती करूं मैं कैसे, गिनती नहीं हो सकती उनकी। इतने उपकार जो मतलब गिनती में नहीं आते, हर क्षण का, हर क्षण में उपकार किया है। क्षण क्षण में जीवन के साथ उन्होंने साथ में रह के, साथ में अपना विचार से ही तो साथ में रहता है गुरु हर वक्त।
विचार, उसके विचार को अपना लो, देखो कितना आराम मिलता है, कितने कितना आराम मिलता है। नहीं तो अपने विचार से हर समय दुखी रहते हैं और अच्छी स्थिति में भी दुख निकाल लेते हैं। यही तो विचार का ही तो खेल है। गुरु जी हमेशा बोलते हैं ज्ञान विचार का है। एक विचार है मैं देह हूँ, एक विचार है मैं आत्मा हूँ। अब बस विचार करो, उसमें टिकने का अभ्यास करो। कैसे जानते तो है नहीं, तो मानते जाना है, मानते मानते जानने भी लगेंगे एक दिन, कैसे मैं आत्मा हूँ, कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, कैसे ये शरीर में खेल हो रहा है मेरे ये प्रारब्धानुसार, मेरे कर्मानुसार। और उस खेल में जो खेलने वाला है वो परमात्मा है सामने वाला, तो आपको मिले शिकवे खत्म हो जाते हैं सारे। पहले गुरु जी के माध्यम से ये होता है, बाद में संसार में सब जगह हो जाता है। जन जन में कड़कड़ में एक पत्थर से भी ठोकर लगेगी तो जरूर साधक अपना ही को देख लेता है कि क्या कारण था जो ठोकर लगी। ये नहीं कहेगा तुमने ठोकर मारी या गलत जगह पत्थर रखा था, ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो बुद्धि के तल पर ये सब बातें होती हैं। जब विवेकी होता है, साधक होता है, भक्त होता है, तो वो तुरंत अपने को तुरंत संभालता है अपने को विचार में कि क्या कारण था जो पत्थर से ठोकर लग गई मुझे कहा। अगर खुद कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सजगता आई, कहीं और विचार था जिसके कारण न देख पाया पत्थर, तो क्या करता है, फट से हटा देता उस पत्थर को। ऐसा ना हो कोई दूसरा भी मेरी तरह गाफिल होके किसी विचार में चल रहा हो तो उसको ठोकर दे और हटा देता है। या जा अगर मन इधर उधर होता है तो क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि देखो गुरु जी ने कितना अच्छा किया कि इस पत्थर के माध्यम में पत्थर में ही प्रकट हो गए और हमको सजग कर दिया। कहाँ जा रहा है था चिंतन तुम्हारा, कहाँ बह रही थी। तो ऐसे प्यारे गुरु जी का साथ हम लोगों ने पाया, ऐसे प्यारे की महिमा को उसने ही खुद जगाया है। हम लोग तो जानने वाले, कोई जगने वाले नहीं थे उनकी महिमा में। बुद्धि कहीं जग सकती है किसी की महिमा में, सोच के देखें। अब भी राग द्वेष करती, जलन करती है बुद्धि, तो जलने वाले हो, बुद्धि का तल तो जलन पैदा करता है कि अरे इससे छोटा किया, ऋषा किया, ये किया, मेरे को जलील किया, ऐसा किया वैसा किया, पता नहीं क्या क्या सोचती है बुद्धि हमारी तुम्हारी। लेकिन सच में विचार करो तो लगेगा अरे गुरु जी तुमने तो जगा दिया। नाम रूप नाश करके पत्थर में भी प्रकाश कर लो ना उसका, परमात्मा का, तो लगेगा ना कि इसने तो जगा दिया, जागना ही तो है। उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तो कर ले, जीवन में चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तो कर ले, जीवन में चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। आया चले के तू क्या, जाए चले के तू क्या, आया चले के तू क्या, जाए गले के तू क्या, जाएगा नहीं पर तेरे कर्म का लेखा, चुक जाएगा यहीं पर तेरे कर्म का लेखा। इस जग असार में बस गुरु नाम ही पसारा, जीवन चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। इस जग असार में बस गुरु नाम ही पसारा, जीवन चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तो कर।
जीवन चार दिन का हरि का भजन तू कर ले, माया आई जानी टिकती नहीं कहीं पर, माया आई जानी टिकती नहीं कहीं पर। गफलत में क्यों है सोया, गफलत में तू है खोया, क्या है भूल गए, माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर। गफलत में तू है सोया, गुरु नाम का क्या हो याद ही नहीं आ रहा है, माया में तू है भूला गुरु नाम क्या रहा, माया याद ही नहीं, माया में तू है भूला गुरु नाम प्यारा प्यारा, माया में तू है भूला गुरु नाम प्यारा प्यारा। कर होश तू सफर का, सामान साथ ले ले, जीवन है चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। उठ जाग जाग बंदे गुरु को नमन तो कर ले, जीवन है चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। गुरु की कृपा जो पाए गोविंद नगर में आए, गुरु की कृपा जो पाए गोविंद नगर में आए। गफलत में तू है प्यारे, क्यों गहरी नींद सोया, गफलत में तू है प्यारे क्यों गहरी नींद सोया। जतन है मुक्ति का जीवन सफल तू कर ले, गुरु जतन है मुक्ति का जीवन सफल तू कर ले। जीवन चार दिन का हरि का भजन तू कर ले। उठ जाग जाग बंदे गुरु को नमन तो कर ले, जीवन चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। उठ जाग जाग बंदे गुरु को नमन तो कर ले, जीवन चार दिन का हरि का भजन तो कर ले। चार दिन का ही तो जीवन है, इसी जीवन में बोले इसी संसार में रहते हुए तो पाना है, कुछ अलग से कहीं थोड़ा ना जाना है, ना अलग से कुछ करना है, बस इसी में परमात्मा पैदा कर लेना, इस जगह सार में बस गुरु नाम ही पसारा। बोले ये गुरु नाम का ही पसारा है संसार, ये भक्त को ऐसा दिखने लगता है, पहले नहीं दिखता था लेकिन अब दिखने लगा। तो क्यों गुरु के विचार को अपनाते अपनाते ही तो ये सब होता है, कि ऐसा लगेगा व्यक्ति जो भी हिलडुल रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, ये सब गुरु की ही तरफ से हो रहा है, उन्हीं की चाहत से हो रहा है, अच्छा या बुरा इससे कोई मतलब नहीं। यही तो गुरु जी ने कहा है कि सब मेरा ही पसारा है चारों तरफ, मैं ही हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट पर घट होई, ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, कोई ऐसा भूप राजा ही जान सकता है। बोले जो अच्छी तरह से गुरु के विचार से अपने अपने मैं को ना करने का बीड़ा उठाता है, संकल्प लेता है, कहते नहीं हमारा आपका काम ही यही है, ये और कुछ काम ही नहीं हमारे पास, बाहर का खेल तो अपने आप ही यंत्रवत होता ही होता है। अरे
यंत्रवत देखो ना, आदत पड़ी है यंत्रवत हम सब काम कर लेंगे, रूठे रहते काम सब कर लेते, क्योंकि यंत्र की तरह से शरीर की आदत पड़ी। तो ये बात तो अंदर की होती है सारी, अंदर हम कहाँ हैं, अंदर हम अपने नाम रूप में बैठे हैं कि हम अंदर हम अपने गुरु के विचार से बैठने लगे हैं और देखने लगे हैं, सुनने लगे, करने लगे हैं गुरु के विचार को कि मैं आत्मा। गुरु का विचार क्या है? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं। तो जो कुछ भी शरीर को मिल रहा है उसको बुद्धि से क्यों तौल रहे हैं, अच्छा बुरा क्यों सोच रहे हैं, तेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? यही तो अभ्यास जीवन पर्यंत का है। मैं मेरा क्यों कर रहा है, मैं तू में क्यों आ रहे हैं, बोले तू ही तू में क्यों नहीं मामला फिट हो रहा है हमारा, उस फ्रेम में हम क्यों नहीं फिट हो पा रहे हैं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू में तो फिट होना है, अन्यथा तो मैं है हर हाल में। अच्छे से अच्छे कर्म है हमारी आपकी मैं, बुरे कर्म में ग्लानी भी है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा भी तू करने वाला, बुरा भी क्यों हुआ है वो तू अब सोच, हम नहीं सोचेंगे, अब तुझे देखना है। गुरुजी कहते थे तुझे तू तू जान, उसका भी कारण तू है, मैं नहीं हूं। जब तू ही तू सब जगह है तो उसमें भी तो तू ही है ये, लेकिन पहले कहाँ गया चित्त, क्या हुआ ये सब होता, अब नहीं, अब तो तू ही तू है, तू 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 में फिर जब अभ्यास तू तू का है तो फिर उसमें तो देखना किसको है, उसी को प्रकट करना, हम भी इधर भी उधर भी तब तरफ उसी को तो प्रकट करके रहना और करना क्या। सतगुरु का जीवन आज
हो सवारा, पंचभूत से उठा कर सचित आनंद बनाया, पंचभूत से उठा कर सचित आनंद बनाया, बलिहारी मैं गुरु जिसने अलख जगाया, बलिहारी मैं गुरु की जिसने अलख जगाया, गाए जा गाए जा गाए जा गुरु शुकराना, गाए जा पंचभूत से उठाकर, पांच भूत ही से तो ये शरीर बना है, पंच तत्व से, और इन्हीं के भूत हम पे लगे हैं, इन्हीं के गुण अवगुण जो भी हैं इनके तत्व के वही हम लोग हैं। वो उसमें कहता है काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, यही तो है। बोले कभी काम इच्छा आ जाती है, कभी इच्छा न पूरी क्रोध शुरू हो जाता है, इसीलिए काम को ही सबसे ज्यादा प्रबल माना गया इच्छा को। तो इसीलिए बोला कि तू तो पार ब्रह्म है, यदि चाह ना हो काम ना हो बीच, इच्छा ही तो आती है बीच में, तो इच्छा को ही अगर गुरु की इच्छा में हम लोग मिलाने लगते हैं, अरे फिर तो इतना ज्यादा अनुभव होने लगता है ना, ना अपनी इच्छा ना करो, पता नहीं इससे नुकसान ना हो जाए। लेकिन धीरे 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 ये सब होता है कि ना ना इच्छा ना करनी, कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। जो गुरु जी कराते जाए, जो करते जाए, जो होता जाए, वो ही बढ़िया है मेरे लिए, है ना। उसी से हमें इस जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा, जीवन मुक्ति का जो परिणाम होना चाहिए हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन मिलने का जो भगवान ने हमारे को इतना बड़ा कहना चाहिए, इतना बड़ा अवसर दिया है, उसका तरीका गुरुजी ने सिखाया है। और वो कैसे उससे पार हुआ जाए, कैसे उस जीवन के रहते जीवन मुक्ति का आनंद से जीवन जिया जाए, तो इच्छा ही तो छोड़नी है, ये करना है ये नहीं करना है कुछ नहीं, जो करवाता जाए वो करते जाए, जहां ले जाके बैठा दे वहां बैठ जाए, हम कुछ नहीं ना करना ना धरना कुछ नहीं, बनना बनाना सब खत्म, करना कराना सब खत्म, जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी, यही तो अच्छा लगता है ना। ये इसमें गुरु जी ने अपने भजन तो बाद में ये सब आए, गुरु जी ने अपनी अपने ही विचार से चला चला के उनका तो साथ ने कमाल कर दिया, इस तरह उनके साथ से ऐसा कमाल होने लगा, अपने आप उनके आकर्षण से उन्हीं के व्यक्तित्व से, का तो कुछ भी तो अपना नहीं है, क्या कहेंगे अपना, अपना अपना अगर है तो अहंकार है, मैं फलानी मैं बहुत ज्ञानी मैं ध्यानी मैं भक्त मैं फलानी मैं बहुत ज्यादा कर्मा मैंने इतने दुख सहे ये मैंने ये किया, अरे जने कितना मन अपनी माला फिरोता है यहाँ पे बैठ के, तो यही सब तो होता था और क्या होता, आज यही आज आज क्या है, आज वो पहले वो कुचला हुआ था, पहले आत्मा कुचली हुई थी और सवार था मन, अब क्या है मन कुचला हुआ है आत्मा सवार है, ये हो गया चढ़ाई, अब दूसरी हो गई, चढ़ गए मन पे, पहले मन चढ़ा हुआ था हम पे, तो गुरु जी आजादी दिलाते हैं या कैद में रखते हैं, हम लोग खुद विचार कर, गुरु जी के पास आने से हमें मिला के
ये हम खुद विचार, खुद से सोचे कि कैसे उन्होंने हम लोगों को मन से आजाद करा करा के अपने विचार पे चला चला के इतना हमें उड़ने का अवसर दे दिया, उन्मुक्त विचरण करने का अवसर दे दिया। यही तो किया है उन्होंने हम लोगों के साथ, जितने भी भक्त हैं सबके साथ मस्त हैं, उन्मुक्त हैं, मस्त जीवन कहते हैं, आजादी का जीवन जी रहे, क्योंकि अपने अंदर से बंधे ही नहीं किसी चीज से, अपनी इच्छा से नहीं बंधे तो क्या हुआ कि आजादी, तेरी इच्छा में इच्छा मिलाने में मजा आने लगा तो मजा, उसका आनंद ही दूसरा है। तो उसी आनंद को तो गुरु जी हम सबको देना चाह रहे हैं, हम आए हैं तो हम उस आनंद का, मुक्ति का आनंद सर्वता क्यों हो रहे हो, व्यर्थ जीवन जी रहे हो, व्यर्थ भय में डर रहे हो, व्यर्थ चिंतित होकर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन हो रहे, भय में ही तो जीवन सारा चला जा रहा था, ये तो गुरु जी ने निर्भयता पदवी पे लाके टिकाना शुरू कर दिया। ऐसा विचार आएगा, जब उम्र बढ़ने लगती तो विचार भी आता है, कोई रोग शोक हो तो उसमें भी विचार आता है कि खांसी भी आए तो लगेगा कहीं वही तो नहीं रोग पनप रहा, ये सब बातें सब सब मन सो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, पहले उसमें बंधे हुए, अरे बड़ा जीना, जीने का तरीका ही खत्म हो गया था, जीने का आनंद ही भूल बैठे थे। लेकिन अब क्या है, अब तो वो विचार है, उसके बाद निश्चिंतता है, अरे हर जगह तो वो है, हर जगह तो वो है, इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी, हाँ ये शरीर ना रहेगा, इस जीवन में भी काम नहीं आता है ना इसके बाद आने वाला है, तो तब तो यहाँ फूक दिया जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो किससे प्रीत करनी है ये समझ में आता है, किससे में चित्त लगाना है, चित्त लगाना है अपनी आत्मा को, गुरु में विचार में, गुरु के विचार में लगाओ तो आत्मा में टिके रहेंगे, अपने मन के विचार में टिकाए रहे अपनी इच्छा वासनाओं में तो क्या देह भाव में टिके रहेंगे, कुछ बने रहे देह भाव से, दादी नानी माँ पति पत्नी दोस्त बनना बनाना, बोले कुछ 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 बने रहते देह भाव में फंसे रहेंगे, और गुरु के विचार से अगर उसी में बरत रहे होंगे तो बोले अपना विचार खत्म तो अपना इच्छा खत्म तो आनंद में, गुरु की इच्छा में इच्छा, गुरु जैसा बोले वैसा, जैसा रखे घर में ही रखे जैसा ठीक है, क्या दिक्कत है, जैसे मर्जी, क्यों अपनी इच्छा से तो आनंद मिला नहीं, अपना कर करके तो आनंद मिला नहीं, तो क्यों ना उनकी इच्छा में इच्छा मिला दें, धर्म है उनकी, कर्म है उनकी निष्काम सेवा, निष्काम सेवा तो भक्त तभी कर पाता है जब उसे कोई इच्छा नहीं होती है, क्या मैं तो बस तुम्हारे से तुम्हारी सेवा करना है मेरा धर्म, तो अभी भी सेवा करना बस धर्म है, प्रेम करना उनसे मेरा धर्म है, उसके बदले में हमको मिल क्या रहा है, अगर इस तरफ से देखने लगेंगे तो इतना कहते नहीं है, इतना शर्म आएगी अपने ऊपर कि उन्होंने हमने किया तो कुछ नहीं, उन्होंने दिया तो सब कुछ, ऐसा जैसे कहते हैं पिछली तख्ती को देख लो, पिछला जीवन देख लो, अपनी लंगोटी और अपना वो देख लो, राजा के वहां चला गया था, कहानी सुनी है ना, एक वो था बहुत गरीब भी वाला था, लेकिन भगवान राजा उससे किसी बात से खुश हो गया तो राजा ने उसे अपने वहां वो रख लिया, मतलब पहले सेवा में ऐसे ही लिया, फिर धीरे धीरे देखता गया कि इतना बढ़िया है तो उसे सेनापति बना दिया, बहुत विश्वसनीय हो गया राजा का तो सेनापति बना लिया, तो लेकिन क्या करता था वो एक कमरे में जरूर जाता था, तो उस कमरे में किसी को जाने नहीं देता था, तो जो उसके आसपास वाले थे वो जलने लगे कि और कहे जरूर ये जो है ना कुछ भेदी है, गलत है, राजा पता नहीं क्यों इस पे विश्वास करते हैं, सेनापति भी बना लिया है, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या है, और ये क्या है, किसी को जाने नहीं देता है, इसने क्या इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, धीरे धीरे लोगों ने राजा के कान तक पहुंचा दी अपनी जलन, सुन के हमारे अंदर भी तुम्हारे अंदर भी
विचार आने लगते हैं, हाँ हो ना हो सकता है ऐसा हो, चलो देखते हैं। राजा आए उसके महल में तो गयनकार कैसे कुछ बड़ा अवगत की सब कुछ किया। फिर राजा बोले सिर्फ महल का मुआयना करना है, कुछ टूट फूट हो कुछ ऐसा हो तो उसमें वो कर लेंगे। तो बोला चलिए राजा जी, लेके गया सब कमरे दिखाए। तो एक कमरा राजा ने कहा खोलो, तो उसी के कमरे के पास जाके तो उसने कहा नहीं महाराज इसमें कुछ नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है इसमें कुछ करने की, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। बोले अब तो राजा को अपनी सुनी हुई बातों पे और ज्यादा विश्वास होने लगा कि ये लोग तो कह रहे थे सच्चा है, आज तो ये काम करना ही है, खुलवाना है। उन्होंने कड़क होके ऑर्डर दिया खोलो लड़ता से, तो खोल दिया उसने। खोला तो वहां कुछ नहीं था, एक खाट ऐसे ऊपर थी, उसके ऊपर एक अंगोछा, उसका वो जो पुराना कपड़ा जो जो उसने पहना हुआ था, पहन के राजा के पास मिला था वही कपड़ा, उसने दो चार कपड़े उसके जो पहनने वाले थे वो, और एक झोला था। तो राजा ने कहा इसको मैं क्यों नहीं तुम आने देते, क्यों इसको मना करते थे। तो उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी तो सिर्फ मेरे लिए है ना, क्योंकि मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं आपकी संपदा पाके, मैं आपकी इज्जत करना ना भूल जाऊं, कि जो कुछ भी संपदा है जो कुछ भी है वो सब आपका दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये है जो दिख रहा है चार पांच कपड़े, ऐसे ही चार पांच विकार जो हम लोगों के अहंकार विकार जो है बस वही मेरे अपने हैं, उन्हीं की दाद से हम सब नवाजे हुए थे पहले, यही तो है हम लोगों की भी अपनी असलियत, उसके अलावा क्या था। जरा सा किसी की बोले किसी की तारीफ सुनो जलन ना हो, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जलन। अब उससे बचने के लिए क्या है, उस तारीफ में शामिल होना पड़ता है, गुरु के विचार को अपनाना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा हमको तुमको, तभी हमें तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। पंचभूत से उठने का जो तरीका है वो ऐसे ही तो है, अन्यथा पंचभूत में रह के हम ज्ञानी हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। ये तो गुरु के विचार से उनकी कृपा की दृष्टि से हम थोड़ा सा संभल सकते हैं, सब में बना वाना तो उनके हाथ में, संभल सकते हैं। संभलने की कला गुरुवर सिखाए सीख तो ले, अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले। गुरु आए इसी कारण हम तो निज उद्धार कर ले, निज उद्धार मीन्स अपना उद्धार करना है, हमें अहंकार होता है हम दूसरों का उद्धार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मूर्खता की सोच है हमारी, सबसे ज्यादा मूर्खता की, हम घर में किसी का उपकार कर रहे हैं, हम बड़े ज्ञानी बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े ज्ञानी और बड़े पुण्य आत्मा है, ये सबसे बड़ी सोच है भ्रामक हम कर रहे हैं, लोग हमारे को समझ नहीं रहे, इससे बड़ा भ्रम दुनिया में कोई नहीं है, ये सब इस सोच में बुद्धि के तल पे यही सब है। तो बुद्धि के तल से ही तो गुरु निकालता है, क्या कहता है बुद्धि के तल पे ही तो अच्छा बुरा सब कंडम कर देता है, कहता है सब अच्छा है मैं ही हूँ सब में, हमारी सोच होती है ऐसा कर रही है वैसा कर रहा है, वो कहता नहीं मैं ही हूँ इसमें, जो रहा अच्छा हो रहा है, जो रहा अच्छा हो रहा है। अब बताओ कितना कठिन होता है, सरल थोड़ी ना सच्चाई है, जीवन लग रहा है इसमें। हाँ सही माना है गुरु जी को, तो अभ्यास में अब तकलीफें कम होने लगी हैं, मन को बाहर की तकलीफों का असर मन पे कम होने लगा, यही तो हुआ है और क्या हुआ है, लोगों के बोली का असर कम होने लगा, यही सब तो हो रहा है। और पहले कहते हैं पहले आत्मा कुचली हुई थी, अब क्या है मन कुचला हुआ है। गुरु जी हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मन को मैं ऐसा कर देता हूँ जैसे हड्डी पसली तोड़ के इंसान को लिटाल देते हैं गुंडे, कि वो बेचारा जहां को जाता है उठना तो चाहता है लेकिन धम्म से गिर जाता है खटिया में, क्योंकि चारों पांचों हड्डी पसली सब टूटी हुई है उसकी,
ये गुरु जी बहुत बोलते, कभी सुना होगी गुरु जी की वाणी तो उसमें ये बात बहुत बोलते। तो मैं ऐसा मन को कर देता हूँ, मन मरता नहीं है, लेकिन हड्डी पसली तोड़ के रख देता हूँ उसकी जो मेरी शरण में आता है। तो अच्छा क्या नुकसान क्या होगा इस मन के, हड्डी पसली अगर गुरु जी ने तोड़ी है तो उसके फायदे अगर गिने हम लोग तो कितने फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि वही हमारा काल भी और वही हमारा दुश्मन भी वही नागनाथ हो, लेकिन वही धीरे धीरे गुरु जी उसी मन को ज्योत स्वरूप करके क्या कर देता है, अपना मूल पहचान लेता है, अपनी ओरिजिनलिटी अपने स्वरूप में टिका देते हैं। सोच के देखिए हम लोग गुरु जी क्या करते हैं हमारे जीवन में, क्या करिश्मा किया है उन्होंने, ये करिश्मा कोई और कर सकता था, ऐसा करिश्मा आज तक हुआ नहीं कहीं, हमने तो देखा नहीं, हजारों संतों को साथ मिले लेकिन ये करिश्मा तो गुरु जी के दरबार में गुरु जी को ही करते देखा, नहीं तो भैया पैसे के लालच है। गुरु जी बहुत ज्यादा बोलते थे ना कि मैं सोचता था चला जाऊं जंगल वहां जाऊं, झंझट होता लगता था, लेकिन जब गया एक बार जंगल तो वहां क्या वो चेला गुरु इंतजार कर रहा था, चेला शक्कर और चीनी लेने गया था, जब लाएगा तब चाय बनेगी। गुरु जी बोले अरे फिर गाली कैसे दूंगा चेलों को, अगर इनके साथ इन्हीं की उस पर रह गया तो इन्हें गाली तो दे ही नहीं पाऊंगा, इनसे इनके आश्रित रह गया अगर शरीर के निर्वाह के लिए, तो यही तो है हम लोगों का भैया कैसे गाली दे। गुरु जी ने तो जो ज्ञान दिया जैसा घर छुड़ाया ही नहीं, बोले कोई आश्रम की जरूरत नहीं, जाके वहां पे व्यभिचार करने लगता है व्यक्ति, सोचता आनंद का यही एक स्रोत है बस यही चरम सीमा है, इसलिए कुछ नहीं बना। पहले बहुत लगता था गुरु जी ने आश्रम नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, मैं बहुत ऐसा लगता था कि इतने संतों के बने हुए हैं गुरु जी भी बना रहे, कितना अच्छा होता हम लोग आराम से गुरु जी के पास रहते, ये वो पता नहीं क्या क्या मन सोचता था। लेकिन जैसे जैसे गुरु जी की या संसार में क्या हो रहा है उसका स्थितियां आती गई, उससे संभल समझ आती गई, तो लगा अरे कितना गुरु जी की हर करनी हर क्रिया हर सोच हर हरकत हमारे तुम्हारे भले के लिए और सही, इफ और बट तो लगने का मतलब ही नहीं है। क्या हम इस स्थिति में रह रहे हैं, जरूर अपने आप से हमें सोचना। सोच लें विचार लें ज्ञान विचार करें बस, पर कुछ तो विचार विचार जितना विचार उतना आराम आएगा। कि सब खेल परमात्मा से चल रहा है, किसी भी नाम रूप से कोई खेल नहीं चल रहा है, हम खेलने वाला उसे मान रहे हैं, यही हमारी भूल है। तो अपनी भूल हम लोगों को सुधार लें, सब अच्छा सब अच्छा। ये दृष्टि गुरु जी ही दे रहे हैं रोज 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 संभाल संभाल कर करके हमारी सवारी संभाल कर करके मन को दिखा दिखा के अपने विचार पे चला चला के यही तो कर रहे हैं गुरु जी, और क्या कर रहे हैं हर साधक के साथ। यहाँ ज्ञान चलता है उसके बाद हम लोगों को सबको अपने कर्म क्षेत्र में कितनी स्थितियां आती हैं, उसमें हर जगह गुरु जी का फॉर्मूला तो लगाना पड़ता है, अपने जीवन में कुछ और करना पड़ता है। सोच के देखो कुछ और करने लग जाओ, देखो वहीं पे कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, कभी कभी राग होगा कभी द्वेष होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, और क्या होगा इसके अलावा कुछ और होता है। जहां मैं इससे सोचने लग जाऊ वहां
ऐसा ये परमात्मा का बढ़िया वाला दरबार है। महाभारत में एक कथा है, मासी जय गुरु। हाँ बेटा, एक महिमा बता दें क्या? जय सतगुरु। आप जो कार चला रही उसी वो महिमा है मासी। एक ऐसा क्या है कि मेरा एक सैलरी अकाउंट है पीएनबी में, तो वो आसाम में था और बहुत समय से हम चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाए, तो हला भला हो जाए, मतलब वहाँ का एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ का लोकल एड्रेस पड़ जाए। हालांकि काम सारे मेरे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई इंटरनेट बैंकिंग होती है, सारा चीज़ें हो रही थी। लेकिन इसको कराने में झंझट ये थी कि महीने के अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अलग अलग मैंडेट बने हुए हैं, तो अगर इसको परस्यू करते तो कोई मेरा ट्रांसफर रुक जाता, तो इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे मासी। और ये कह रहे थे गुरु जी जब चाहेंगे तब ये हो जाएगा। और मासी ये जो अकाउंट है मेरा, मैंने इसलिए खुलवाया था क्योंकि मेरे घर के सबसे पास में पीएनबी ही है, यही एक बैंक है, और इस पर मेरे घर का सभी लोग का अकाउंट है और मोहल्ले वालों में सबका अकाउंट है। तो मासी जैसे देखिए गुरु कैसे कराता है, ये हमको दिखा ऐसे कि जैसे नामरूप की भी मैं हेल्प ले सकता था, जो आसपास के काफ़ी दिग्गज लोग हैं या मम्मी पापा उनके रेफरेंस से अगर बैंक मैनेजर से मिलते तो शायद मेरा कम समय में करा देता, लेकिन ये गुरुजी ने टालते रहे क्योंकि इससे नामरूप की मासी महिमा होती। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, आपको मैंने बताया था मेरे घर में एक ताई जी आई थी जो साल में एक बार आती हैं, तो 11 बजे बैंक खुलता है तो ओनर का बेटा मुझे वहाँ छोड़ दो जरा सा, मतलब ऐसे क्या है, ठीक है चलिए, सत्संग का टाइम नहीं हो। मैं उस दिन मेरी मासी ऐसे था कि छुट्टी थी शायद, तो हमने कहा चलते हैं। तो पता चला मासी कि वहाँ पर जो पुराना जितना भी स्टाफ था मासी, वो सारा स्टाफ ट्रांसफ़र हो गया, मतलब वो था पहला दिन था जब सारे नए स्टाफ आए थे। तो मासी अभी जो वैसे कह रहा था ना कि जैसे मैं किसी नामरूप का सहारा ले लेता अपने मम्मी पापा का या फिर मोहल्ले वालों का और उस बैंक मैनेजर से मिलता तो मेरा काम करा देता, तो गुरुजी ने तो पहले वो सारी रास्ते बंद कर दिए, एक तरीके से निराधार कर दिया। और मेरे इच्छा भाव से मासी वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक फॉर्म भर दीजिए हम कराते हैं। हालांकि मैंने कैजुअली कहा, मेरा मन नहीं था कुछ कराने का, लेकिन हम जब खड़े थे तो एज अ लेमैन की तरह मैंने अपनी बात रख दी कि ठीक है सर ऐसा सा है, तो उन्होंने कहा ठीक है फॉर्म भर दीजिए और मैं देखूंगा इसे। तो मासी बस उनका भी काम ख़त्म हुआ, तो मैंने एक जैसे चर्चा होने लगी थोड़ी, तो उसने कहा आप लोन ले लीजिए कुछ, ऐसे बोला क्योंकि नए नए थे वो स्टाफ, नए नए मैनेजर थे, तो ऐसे मतलब कहा कि आप लोन नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा ऑलरेडी मेरा लोन चल रहा है SBI में चल रहा है। तब कहा कि अच्छा बैठिए, मतलब ऐसे करके बोला कि आप फिर बैठिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप ट्रांसफ़र करा लीजिए तो मैं आपका काम जल्दी करा दूंगा। तो ठीक है मासी, हमने कहा ठीक है सर करा दीजिए, और फिर मैं हाथों हाथ उन्होंने लिया। तो मासी देखिए हुआ तो ये गुरुजी की कृपा से था, लेकिन अब जब सुने ऐसे बोला ना मासी, तो हम घर में आकर जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये नहीं कहा कि गुरुजी की महिमा थी जो आपको अभी मैंने बताया कि नाम रूप से हटाया और गुरु अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, मुझे इस तरीके से महिमा गानी चाहिए थी। लेकिन जब मैं घर में मासी आया तो मैं करने लगा, मतलब मैंने ताई जी से कहा कि देखा मासी मैंने उसे ऐसे बात करी, उसने कहा हूँ लो ना तो ऐसे से कर देंगे, और हाथों हाथ लिया मुझे ऐसे से, है ना। यहाँ गुरु की मैंने कोई बात नहीं करी, वो चीज़ स्किप कर दी जो आपको भी बताई हमने ये, जबकि कहना चाहिए था कि गुरु सच में निराधार करता है, नहीं तो मैं नामरूप की महिमा करता, और ये होना तो था ही। अब देखिए मासी जब मैंने मैं करी तो हुआ क्या, ये बात तो फॉर्म जमा करके आ गया था, अपने आप पीछे पीछे काम हो रहा होगा, लेकिन मासी जब छुट्टी मिलेगी तभी तो बैंक में जाकर हम पता कर पाएंगे। तो जब मुझे शायद 7-8 दिन बाद छुट्टी मिली, मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े शरारती हैं वो ब्रांच वाले, उन्होंने कहा जो आपके ब्रांच वाले थे पुराने और बड़े शरारती हैं, मतलब उनका नंबर नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा है कुछ, मतलब दिक्कतें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखिए मासी गुरुजी ने फंसाया, हल्का सा मतलब हिंट दिया कि तुम तो मैमा में आ गए थे कि तुम्हारा मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच रहे थे कि वो तुम्हारा कर देंगे, तो देखिए वो भी सब रह गई बातों की। तो हमने फिर अपनी गलती मानी कि देखो हमें मैमा कर रहे थे, इस चक्कर में ऐसी दिक्कतें आई। तो हमने कहा इसका क्या उपाय है, कह रहा आप ऐसा करिए उस ब्रांच का हमको नंबर दे दीजिए मैनेजर का, तो मैं हाथों हाथ करा दूंगा आपका। तो ठीक है, तो फिर मासी हमने मेरा साथी था वहाँ पर जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, मैंने उसको फ़ोन किया और उसने मुझे तुरंत नंबर दे दिया, और वो तुरंत मैंने नंबर उनको दिया, और उसी दिन ही मासी सब बात होकर हो गई। अब इसमें मैं आ सकता हूँ कि देखो मैंने नंबर अरेंज किया फिर ये, लेकिन चूंकि अभी समझ में आ गया था इसलिए अब मैंने मैं नहीं किया, इस बार फिर गुरुजी का करा कि देखिए गुरुजी ने कैसे त्वरित कार्रवाई करी और हमारा काम हो गया। और मासी सच बता रहा है उसी दिन ही वो प्रोसेस हो गया। और सच्ची बात मासी ये भी है कि जो मेरे मैंडेट्स हैं वो बेसिकली ऐसे ही हैं कि इसी समय पर ही होना था, अगर ये थोड़ा पहले होता
और उस दिन का ट्रांजिशन शायद मेरा दिक्कत हो जाती, क्योंकि सब कुछ उसमें चेंज करना पड़ता है, यहाँ की डिटेल्स डालनी पड़ती है और वो मेरी प्रॉब्लम आ जाती। तो जैसे तू बताएगा क्या उसे सब है खबर का है, दो दिन की पतझड़ से खबर आ गया, खुद ब खुद पाएगा जिस आता जिस समय कौन सी थी दरकार है। तो मासी यही बात मुझे दिखी कि हम बस ये हमको जो अभ्यास हो रहा था वो गुरु जी आगे पीछे इसलिए कर रहे थे कि हम चीज़ें समझें सच्चाई एक्चुअली क्या है। बाकी जो जिस समय पर होना था उसी समय पर ही हुआ मासी, और कोई भी मेरा ट्रांजिशन दिक्कत नहीं आई, और मेरा कल मासी काम हो गया, और कल भी मुझे छुट्टी मिली थी कि मैं बैंक जाकर ये सब थोड़ा जो प्रोसेस था वो कर पाऊँ फिजिकली। तो जब जब छुट्टी मुझे मिल रही है मासी, वो या तो कोई अभ्यास करने के लिए मिल रही है या चीज़ को पूरा करने के लिए मिल रही है। तो सब कुछ मासी प्राण रहता है गुरु का, और बस इसमें देखते रहो और मैं को पीछे हटाकर गुरु का दर्शन करते रहो, तो बहुत आनंद आया इस चीज़ में, इस पूरी कार्यवाही में ज़बरदस्त आनंद आया। और यही मासी महिमा है, काम भी हो गया और अभ्यास भी हो गया। मेन चीज़ अभ्यास थी, काम तो बहुत छोटा सा था, ये कोई मीनिंगलेस काम है, लेकिन वो भी शायद जरूरी होगा इसलिए गुरुजी ने करा दिया। मेन इसमें अभ्यास में मासी बहुत आनंद आया, इसमें कुछ लेना देना कुछ नहीं है मासी। मजे की बात इस ज्ञान में मासी, इस दरबार की बात ये है कि जो कार्यवाही में को देखते रहने का, मन को देखने का, गुरु की चीज को देखने का, इसमें जो आनंद आता है मासी, इसमें कोई रुपया नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, और मतलब बस जी रहे हैं, बह रहे हैं और होता जा रहा है इसमें आनंद, इसमें कोई नहीं है मासी। ये बड़ा आनंददायक चीज़ है, अंदर का आनंद मिलने लगता है ना, वो कपाट खुलने लगते हैं। ये इसी को कहते हैं, लोग कहते हैं शादी होएगी, लेकिन आज भी जितने सत्संगी है सत्य नारायण की कथा जरूर कराएंगे, क्योंकि वो एक क्रिया कर्म कांड में फंसे पड़े, अन्यथा सत्य नारायण की यही कथा है। जब तुम सुना रहे थे तो मुझे वो लग रही थी लीलावती कलावती कि उन्होंने जरा सा भूली प्रसाद आरती करना, भूली तो बाधा आ गई, प्रसाद लेना भूली तो बाधा आ गई। तो इस तरह से फिर जैसे फिर भगवान किया तो वो सब धीरे धीरे फिर से सब सामान्य होने लगी, स्थितियां सब सही होने लगा। तो जब तुम तो सुना रहे थे तो मुझे सत्यनारायण की कथा याद आ रही थी। सही कह रही आप एकदम। तो सत्यनारायण की कथा यही तो है, कौन सत्यनारायण है जो सत्य में बैठा हुआ नर है, वही तो ना सत्यनारायण है। हम लोग उसी की गाथा तो गा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसी के गाथा से अपने अनुभव में सत्य नारायण हम कैसे हैं इसका प्रयास कर रहे हैं, इसकी खोजना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो ये है, बोले कोई जरूरत नहीं आज के बाद सत्य नारायण की कथा, सत्संग करा लो, सत्य नारायण वहां पे आके काम करेंगे। ये है, लेकिन नहीं साहब, सत्य नारायण की कथा तो जरूर होगी जब शादी होगी। तो ब्रह्म में कौन फंसे हैं, हम ही तो फंसे हैं। कर्म कांड में कौन फंसा है, हम ही तो फंसे हैं। और कहते हैं हम निकले हुए हैं। जरूर सोचना चाहिए। महाभारत में एक कथा है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा व्यर्थ तो हो नहीं सकती थी, पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियम के अनुसार भगवत चिंतन करते हुए सो गए। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने आए, अर्जुन तो सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें जगाकर पूछा कि तुम सो कैसे रहे हो, तुम्हें आज नींद कैसे आ रही है। तो अर्जुन ने कहा, मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता हो सकती है, मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य अनन्य शरणागति, वह सदा यही सोचे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। कर्दम कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं, तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि चिंता कदापि न कार्या, सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए थे, सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे दी। अत्रि को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति। कर्दम ऋषि ने सोचा अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और कहने लगे, मुझे सन्यास लेना है, केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा, आपकी इच्छा योग्य ही है,
संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दें। मुक्ति दो प्रकार की होती है, कैवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। दूसरी है भागवती मुक्ति, इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक तो होता है किंतु थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में भी मगन रहता है। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। सरकार ने जब कह दिया कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं रहे हो तो फिर दूसरी नौकरी क्यों ढूंढते हो, पर अब तो भगवान का भजन करने के दिन आए हैं। संन्यास की विधि देखने से भी वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव ब्राह्मण सूर्य अग्नि आदि को साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी। हाँ दीदी, ये कैवल्य भक्ति और भागवती भक्ति को जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। कैवल्य भक्ति में कह रहे हैं इसमें जीव जो है ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं कैवल्य भक्ति। फिर बोलते हैं भागवती भक्ति, इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से तो एक होता है किंतु थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में मग रहता है। जब सामने होता है, हम लोग कहते हैं ये सब तो जैसे कैवल्य मुक्ति ये सब तो नाम दिए हैं, लेकिन हम लोगों के सामने गुरु जी ने जो किया वो यही तो किया हम लोगों के साथ। कि जब सामने हम गुरु जी के होते थे तो हम किस में होते थे, भागवती मुक्ति में, है ना, कि गुरु जी थोड़ा सा गुरु जी की सेवा में हम लोग लगे रहते थे, उनके वचन से सेवा में लगे रहते थे उनके हिसाब से। और जब दूर होते थे तो अपने में ही गुरु जी के विचार से अपने को जीवन चलाते थे, तब भी एक हिता ही बनी रहती है। तो दोनों हमें तो एक ही लगते हैं, क्योंकि जब सामने आप आ जाए। एक बात है ना दीदी, अक्सर ये प्रश्न एक बार पूछती थी किसी से कि अगर सामने आ जाए भगवान तो क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर सामने आ जाए, तब क्या होगा, क्या स्थिति होगी। तो पता नहीं, समझ में नहीं आता, लेकिन जब सामने आ जाता है गुरु जिससे हमने सब पाया तो ऑटोमेटिक हम एक्टिव हो ही जाएंगे। उस समय हमारा द्वैत जाग जाएगा, क्योंकि कौन आया है मेरे सामने जिससे हमने सब पाया, तो उस समय द्वैत जगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जाग जाता है। और अन्यथा जो कष्ट होता है मन को कि दूर है ऐसा है वैसा है, उसमें गुरु के ज्ञान से अपने को विचार करके संभालते संभालते एक दिन संभल जाते, एकता हो जाती है, ये होता है। हमारा तो समझ में गया है।